हेलो, माय नेम इज़ अनुपाध्याय। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीए पार्ट वन एंड एनएसएस वॉलंटियर्स यूनिट टू, बरेली कॉलेज बरेली। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर डॉक्टर ओम प्रकाश राय, प्रिंसिपल ऑफ बरेली कॉलेज बरेली, एंड डॉक्टर केपी सिंह, वाइस चांसलर ऑफ एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, डॉक्टर सोमपाल सिंह सर, एनएसएस कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर कोमल मित्तल मैम, प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ एनएसएस। आज मैं आप सबको भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम इतिहास के पन्नों में छिपा है, जी हाँ, आज मैं आप सबको रानी गाइदिनुल्यो नागालैंड की लक्ष्मीबाई के जीवन परिचय दूंगी। रानी गाइदिनुल्यो का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के एक गांव में हुआ। रानी गाइदिनुल्यो एक मशहूर भारतीय क्रांतिकारी थी। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तब रानी गाइदिनुल्यो ने नागालैंड में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी क्रांतिकारी हरकतों को अंजाम दिया। रानी गाइदिनुल्यो को आज़ादी की लड़ाई में इतनी वीरता से भरे हुए कार्य को करने की वजह से नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। 1937 में सिलोंग जेल में रानी गाइदिनुल्यो और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात हुई। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद रानी गाइदिनुल्यो को जेल से आज़ाद किया गया। आज़ाद के बाद रानी गाइदिनुल्यो ने अपने लोगों के लिए कार्य किए। भारत सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया और भारत के विश्व तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने इन्हें जेल से रिहा करवाया। वे 14 साल तक जेल में रहीं। 1972 में ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया व 1982 ईस्वी में भारत द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1983 में विवेकानंद सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1993 में रानी गाइदिनुल्यो की 78 साल की उम्र में निधन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड पुश द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।